जो हमारे जज्बातों की कदर नहीं करते, उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं बेवकूफ़ी है। तरक्की इतनी हुई है कि हजारों मील दूर बैठे लोगों को हम देख सकते हैं और सुन सकते हैं, और बेशर्म हम इतने हुए हैं कि पास बैठे अपनों की ना तकलीफ़ दिखती है और ना महसूस होती है। जब चुन लेने का विकल्प ही ना हो तो उसे छोड़ देना भी एक विकल्प ही होता है। इश्क और इलेक्शन में जो वादे होते हैं ना, उसे मतलब निकालना ही कहते हैं। आप किसी को आसानी से मत मिल जाना, नहीं तो लोग आपको सस्ता समझ लेंगे। अगर फितरत हमारी सहने की ना होती तो तुम्हारी हिम्मत कुछ कहने की ना होती। जिस दिन कोई आदत बन जाता है ना, उस दिन से वो इंसान तुम्हें कभी भी बर्बाद कर सकता है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी तरह बेचैन मन से कभी कोई समस्या का हल नहीं मिलेगा। इसलिए शांत होकर देखिए, आपको अपनी हर परेशानी का हल मिलेगा। किसी का हाथ तभी पकड़ना जब आप उसका साथ जिंदगी भर निभा सको। जो मिल रहा है तुम्हें वही तुम्हारे लिए बेहतर है, ये तुम नहीं जानते, लेकिन देने वाला बखूबी जानता है। ऐ खुदा, तू बेशक मुझे अकेला रख, लेकिन उन लोगों से कभी मत मिलाना जो आते हैं और खेल कर चले जाते हैं। गलतियाँ, भूल और ठोकरें इंसान को बहुत कुछ सिखाती हैं। मत कर यकीन यहाँ पल भर की मुलाकात पर, जरूरत ना हो तो लोग यहाँ सालों के रिश्ते भूल जाते हैं। जहाँ अपनों के सामने ही अपनी सच्चाई साबित करनी पड़े, वहाँ हम बुरे ही ठीक हैं। जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, और जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। कौन अपना है कौन पराया है, इस बुरे वक्त ने मुझे सब बताया है। दुनिया का बोझ दिल से उतार दे, छोटी सी जिंदगी है हंसकर गुजार दे। परेशानी में जो अनुभव और सीख मिलती है, वो सीख दुनिया का कोई स्कूल नहीं दे सकता। अगर कोई आपको बुरा कहे तो दिल पे मत लेना, क्योंकि ऐसा इस दुनिया में कोई नहीं है जिसे सब अच्छा कहें। अब तो सब अपने ही धोखा देते हैं, दुश्मनों की बात ही क्या करें। मोहब्बत की अपनी ही बचकानी जिद होती है, चुप कराने के लिए भी वही चाहिए जो रुला कर गया हो। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज मतलब है, जिसके निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता हल्का हो जाता है। क्या करोगे तुम मेरे पास आकर, तुमने खो दिया है मुझे बार बार अजमा कर। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं, जिंदगी में वही इंसान हमारा सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वो इंसान जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ करो, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। जब कोई समझे ही ना तो उसे समझाने की जरूरत ही क्या, जब कोई माने ही ना तो उसे बताने की जरूरत ही क्या। जिन रिश्तों में एक दूसरे की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट ही नहीं, कदर ही नहीं, तो उन रिश्तों को जबरदस्ती खींचने की जरूरत ही क्या। जीत किसके लिए और हार किसके लिए, जिंदगी भर की ये तकरार किसके लिए। जो भी आया है वो जाएगा एक दिन, फिर इंसान को इतना अहंकार किसके लिए। जिसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, यकीन मानिए उसको किसी एक से बहुत फर्क पड़ता है। सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करके देखो, अगर दिल को सुकून न मिले तो कहना। जिसे जाना है
उसे जाने दो, वो अगर आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। कोई तो ऐसी बात करो जिससे पता चले कि तुम मेरे हो। किसी को इग्नोर करने में और बिजी रहने में बहुत फर्क होता है। जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लगती है, और जिन्हें सपने पूरे करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। खूबसूरती इसमें नहीं कि हम कैसे दिखते हैं, खूबसूरती इसमें है कि हम दूसरों से कैसा व्यवहार करते हैं। खुदकुशी स्वीकार करने वाला समाज खुद की खुशी से की गई शादी स्वीकार नहीं कर पाता। किसी की अगर आदत देखनी है ना तो उसे इज्जत दो, और किसी की अगर फितरत देखनी है तो उसे आज़ादी दो। मुझे कमज़ोर समझने की गलती मत करना, मैं प्यार और वार वक्त आने पर दोनों करना जानता हूँ। खामोशियाँ कभी बेवजह नहीं होती, कुछ दर्द ही ऐसे होते हैं जो आवाज़ तक छीन लेते हैं। चेहरा साफ, दिल में दाग, मुंह पर आप, दिल में सांप, बस यही दुनिया का सच है। वक्त रहते ही खुद को बदल लेने में भलाई है, क्योंकि अगर वक्त ने बदला तो बहुत तकलीफ होगी। आज के दौर का वही रब है जिसके पास पैसा और पद है। आज रिश्ते का दूसरा नाम पैसा बन गया है। कर्म कितने भी गंदे क्यों ना हों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपकी अनपढ़ता, आपके बुरे कर्म, आपका बुरा व्यवहार, सब कुछ माफ़ कर दिया जाएगा।